तो दोस्तों, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए ये गाना मैं सुन रहा था, तो सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो भी बना लेते हैं। तो अभी मैं टेरेस में हूँ, अपनी छत के टेरेस में, यानी कि मैं जिस होटल में रुका हूँ अपना बोल दिया हूँ, क्योंकि अपने जैसा ही लगता है यहाँ पे रहने में इस होटल में। तो आप देख सकते हैं कितनी फ्रीडम है, सब कुछ कर सकता हूँ मैं, आराम से रह सकता हूँ, घर जैसा माहौल है, इसलिए मैं महीने महीने यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो खैर, आपको मैं यहाँ से चारों ओर का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी लेह घूमने का सबसे अच्छा समय है। तो इधर देखिए, इधर भी पहाड़ों में बर्फ ही बर्फ अभी आपको नज़र आएगा, और हमारे पीछे का जो पहाड़ है वहाँ पे भी बर्फ है और उधर भी बर्फ है, तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ अभी नज़र आता है जब आप यहाँ पे घूमते हैं। तो मुझे यहाँ पे घूम के आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिलहाल मैं अभी यहाँ पे लेह लद्दाख में टूर पे आया हुआ हूँ, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मनाली की रोड कब ओपन होगी। मैं रोड ओपन होगी तो फिर मैं लेह के रास्ते से लेह टू मनाली जाऊँगा, लेह वाले रास्ते से होते हुए, नहीं तो फिर मुझे फ्लाइट लेकर यहाँ से दिल्ली जाना होगा, या तो फिर कश्मीर के रास्ते से जाना होगा। तो कश्मीर के रास्ते से जाने से बेहतर है कि मैं फ़्लाइट ले लूँगा, क्योंकि पैसे भी उसमें ज़्यादा लगेंगे और टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है उसमें। तो खैर, मुझे जो देखना था जैसे कि द्रास का व्यू, और इसके अलावा पहाड़ों का और भी बहुत सारा सुंदर सुंदर व्यू, तो मैं जब कश्मीर से आ रहा था तो सारा व्यूज देखते हुए आया हूँ। तो इस वजह से मुझे अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे घर भी जाना हो तो मैं फ़्लाइट लेकर आराम से चला जाऊँगा। तो मैंने आप लोगों को अभी रात का यहाँ का दृश्य दिखा दिया है कि कितना खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक स्टैंड करके मैं वीडियो बनाता हूँ और वो भी डालूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रात का नज़ारा है, मैं जहाँ पर रुका हूँ उस होटल से, कितना मस्त लग रहा है। और उधर देखिए, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, इधर भी बर्फ है, और बहुत सारा बर्फ आपको देखने को मिलेगा अभी भी लेह में। मैं सामने से दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी एक बर्फ की पहाड़ी है और एक इधर भी बर्फ की पहाड़ी है। अभी भी लेह लद्दाख में चारों ओर बर्फ से घिरा हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पे लेह प्लेस जैसा ही एक होटल बना हुआ है, इसके अलावा इधर एक 5-स्टार होटल है। तो ये छत से चारों ओर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगता है। और वहाँ पे देखिए सामने शांति स्तूप दिख जाएगा आपको, ये देखिए शांति स्तूप है ये, और इधर लेह प्लेस दिख जाएगा आपको। देखिए जहाँ लाइट जल रही है उसके पीछे आपको ये लेह प्लेस नज़र आ जाएगा। दिन में जितना क्लियर नहीं दिखता उससे अच्छा रात में दिखता है। और इसके अलावा इधर शंकर गोम्पा भी है, और इधर और एक गोम्पा है इस पहाड़ी में, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे भी एक गोम्पा है, तो ये काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है अभी लेह लद्दाख का।